पीके कोई ब्रह्म वाक्य नहीं है, पीके के जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये बात बोल रहे हैं। पीछे भीड़ घूम रही है, भीड़ घूम रही है। तो भीड़ कुछ समय पहले चिराग के पीछे भी घूम रहे थे, अभी आप देखिए कहाँ है उनका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। पीके का दर्द मैं समझ सकती हूँ, एक समय वो नीतीश जी के बहुत चहेते थे, बाद में उनकी मनमुटाव हुई, वो छोड़ के जन सुराज अभी तक पार्टी नहीं बनी है, अभी तक जन सुराज एक सोच है, तो अपने वो सोच के साथ चले, कोई दिक्कत नहीं है। शेर कितना भी बुरा हो जाए वो शेर शेर ही रहते हैं, और जितना ज़्यादा ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोलेंगे उतना ही वो तेज़ी से अपना हाथ वो बढ़ाते जाएंगे। देवजानी मित्रा ने जेडीयू ज्वाइन कर लिया है, इससे पहले वो पशुपति पारस की पार्टी में थी, उससे पहले चिराग पासवान की पार्टी में थी, अब जेडीयू की सदस्यता इन्होंने ले लिया है। इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे जेडीयू ही क्यों, और भी तो बहुत सारी पार्टियां थी। मुझे ऐसा लगता है कि आप जब सब जगह आप जब घूम लेते हो और सबका आपने जब बेस्ट और वर्स्ट आपने देखा है, मैंने यही रियलाइज़ किया है, चाहे वो लोकसभा चुनाव में हो या आपके उपचुनाव में हो या फिर अभी आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले, ये डिसीजन मैंने इसलिए लिया, मुझे लगता है कि ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार जिस ढंग से अपनी पार्टी के साथ साथ अपने लोगों के साथ साथ देश को भी उनकी अल्टीमेटली ज़रूरत पड़ी गई, तीसरी बार प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाने में जो नीतीश कुमार की ज़रूरत जब ऑनरेबल पीएम ऑफ इंडिया को है तो देवजानी को तो डेफिनेटली है। इसीलिए मैंने फाइनली डिसाइड किया कि उनसे सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, बिहार के लिए कुछ करने को मिलेगा, और आधी आबादी का सपोर्ट जितना ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि बाकी कोई पार्टी में वो सोच भी है या फिर आगे बढ़ के कोई काम भी हम लोग कर पाएंगे। तो फाइनली ये काम करने के मंशा से, अपनी आवाज़ को और बुलंद करने की मंशा से, और साथ में ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार की जितनी नीतियाँ हैं वो बिहार के जन जन तक पहुँचाने के लिए फाइनली मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया। प्रशांत किशोर को आप जानती होंगी, वो तो कह रहे अंतिम दौड़ है नीतीश कुमार की राजनीति। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, शेर कितना भी बुरा हो जाए वो शेर शेर ही रहते हैं, और जितना ज़्यादा ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोलेंगे उतना ही वो तेज़ी से अपना हाथ वो बढ़ाते जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि राजनीति में आप अकेले चलो, लीडर उन्हीं को कहते हैं जो अपने हाथ बढ़ाते जा रहे हैं, और हमारे ऑनरेबल सीएम अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। युवाएं बोलिए, वरिष्ठ बोलिए, हर एक वर्ग के लोग नीतीश कुमार जी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी की स्ट्रैटेजी इस बार थोड़ी गड़बड़ होने वाली और फेल होने वाली। वो तो कह रहे हैं नीतीश कुमार का अंतिम दौर है। नहीं, मैंने आपको कहा ना कि जो वो अपने हाथ बढ़ाते जा रहे हैं, और नीतीश कुमार जी एक ऐसे शख्स हैं, आप उनके ऊपर जितना भी क्वेश्चन मार्क आप डालते जाएंगे आप खुद ही एक क्वेश्चन, एक प्रश्न चिन्ह बन के रह जाएंगे। तो कह रहे 20 सीट से ज़्यादा आएगी ही नहीं विधानसभा। देखिए लोकसभा चुनाव में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला, मैंने कहा ना जिनमें वो ताकत है ऑनरेबल पीएम को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में, उन शख्स में क्या क्या और ताकत है, वो जब तक आप उनके साथ काम नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। पीके का दर्द मैं समझ सकती हूँ, एक समय वो नीतीश जी के बहुत चहेते थे, बाद में उनकी मनमुटाव हुई, वो छोड़ के जन सुराज अभी तक पार्टी नहीं बनी है, जन वॉट एवर इट इज़, बट अभी तक जन सुराज एक सोच है, तो अपने वो सोच के साथ चलें, कोई दिक्कत नहीं है। आप सूरज बन के आइए, और हम लोग क्या कहते हैं, आपको याद होगा हनुमान जी ने एक बार सूरज को भी निगल लिया था, तो हम लोग हनुमान बन के हम लोग काम करेंगे, और मोदी जी के साथ है, मोदी जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, और साथ में जैसे जहाँ नीतीश हम भी वही हैं, तो ये सोच के साथ हम लोग ऑनरेबल सीएम के साथ अल्टीमेट थिंग। पीके कोई ब्रह्म वाक्य नहीं है, पीके के जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये बात बोल रहे हैं। पीछे भीड़ घूम रही है, भीड़ घूम रही है, तो भीड़ कुछ समय पहले चिराग के पीछे भी घूम रहे थे, अभी आप देखिए कहाँ है उनका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बोलना नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे एनडीए के ही साथी हैं, लेकिन भीड़ घूमना, झुंड बना के घूमना और क्राउड को इसमें कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पर वो कह रहे हैं ना कि बिहार में राजनीति वो छोड़ देंगे अगर 20 सीट से भी ज़्यादा जेडीयू। भाई तो उनको उनका सोच मुबारक हो, इससे जेडीयू के कोई भी कार्यकर्ता को, हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो सोचना है जिस ढंग से सोचना है अपने सोच के साथ आगे बढ़े, हम लोग अपने काम के साथ रणनीति के साथ आगे बढ़े। सवाल मैम, कहते हैं मजदूरों की फैक्ट्री बना दी है नीतीश कुमार बिहार को, लोग पलायन कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, कोई चीज़ एक दिन में नहीं बनता है, और आज अगर पलायन थोड़ा बहुत हुआ है तो आप इतिहास को उठा बहुत सालों से मैंने अभी कहा ना कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर आज अगर सुव्यवस्था है और हम अगर यहाँ पे आके ज्वाइन करें तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं
पढ़ी लिखी महिलाएं भी जेडीयू अगर ज्वाइन कर रही तो कुछ सोच समझ के ज्वाइन करी, क्योंकि अगर विजन कहीं है तो जेडीयू में है और ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार के साथ है। चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? अभी देखिए, अभी तो आज ही मेरी ज्वाइनिंग हुई, अभी बाकी रणनीति सबके साथ बैठ के जानेंगे सोचेंगे उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। चलिए, हमारे साथ देवजानी मित्रा थी, पीके से रिलेटेड, जो प्रशांत किशोर है लगातार दावे कर रहे हैं कि जेडीयू को विधानसभा चुनाव में 20 सीटें से ज़्यादा नहीं आएगी, अगर आ जाती है तो वो बिहार में जो है राजनीति छोड़ देंगे। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।